मेसी जो है ना वो बार्सिलोना में वापस आने वाले हैं, ये बात कंफर्म कर दी है बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट ने। उन्होंने ये कहा है कि उनकी बातचीत चल रही है मेसी के साथ। मेसी ने जब बार्सिलोना को लीव करते हुए जो स्पीच दी थी ना जिसमें वो रो रहे थे, उसके अंदर भी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे लिखा था कि क्यूलर्स आई एम लीविंग बट इट्स नॉट अ गुड बाय, यानी कि ये कोई गुड बाय नहीं है, जस्ट आ सी यू लेटर विस्का एल बार्सा, यानी कि मैं जो है वो दोबारा आऊंगा, दोबारा मिलूंगा आपसे। ये मेसी ने खुद अपनी स्पीच के अंदर कहा था। और अब चावी ने भी जो है ना वो रिएक्ट किया है मेसी के बार्सिलोना के रिटर्न के ऊपर, और पीके ने भी किया है। पीके ने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले चावी का देख लेते हैं। चावी ने ये कहा है कि इट्स नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट मेसी'स रिटर्न, आई टॉक अ लॉट विद हिम, इट्स अ टॉपिक दैट वी आर डीलिंग विद, होपफुली वी कैन सी हिम एट बार्सिलोना अगेन, इट्स द क्लब ऑफ हिज लाइफ। यानी कि यहाँ पे उनका कहना है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर मेसी से बहुत ज्यादा बातचीत की है और ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम डील कर रहे हैं और हम मेसी को बार्सिलोना में दोबारा देख पाएंगे। और जो ट्रांसफर्स का ट्विटर के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट है ना, उन्होंने भी ये चीज ट्वीट की है कि बार्सिलोना वांट मेसी बैक। चावी ने कंफर्म कर दिया कि क्लब जो है ना वो अब मेसी को वापस लाना चाह रहा है, और 35 ईयर ओल्ड यानी कि मेसी की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी जो है ना वो वर्ल्ड कप के ही टाइम से जो है ना वो मेसी बार्सिलोना में वापस आना चाह रहे हैं। ये ट्रांसफर्स ने भी यहाँ पे ट्वीट करके कहा है। अब पीके की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पीके से भी इस बारे में सवाल किया गया कि क्या बार्सिलोना जो है वो ट्राई कर रही है मेसी को दोबारा वापस लाने के लिए। तो पीके का ये रिएक्शन था कि मैं रफा यूस्टे को जानता हूँ, यानी कि वो बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं जिन्होंने मेसी से डायरेक्टली बात की है। ही इज अ वेरी गुड पर्सन एंड ही विल ऑलवेज टेल यू व्हाट यू वांट टू हियर। ऑब्वियसली फॉर ऑल द क्लूज इट वुड बी इनक्रेडिबल इफ लियो कम बैक, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर फोर्सिंग सिचुएशंस टू मच कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। यूस्टे एंड बार्सिलोना रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ कन्विंसिंग मेसी ओवर अ फियरी Please come back to the Camp Nou, but PSG are also determined to retain the Argentinian and could offer him an unlimited contract. ये वाली जो बात है ना आखिर वाली यूस्टे और बार्सिलोना वाली, ये बात पीके ने नहीं करी है। जो ऊपर वाली बात है ना जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ है, दो वो कॉमास लगे हुए हैं, वो वाली बात है जो पीके ने कही है। नीचे वाली जो बात है ये एक रिपोर्ट है कि पीएसजी भी जो है ना वो ट्राई कर रही है कि वो मेसी को जो है ना वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर सके, बड़ा पैसा दे सके ताकि मेसी जो है ना वो स्टे कर सके। लेकिन रिपोर्ट्स हमें ये बता रही है कि मेसी जो है ना वो बार्सिलोना में वापस आने की करेंगे अगर बार्सिलोना जो फाइनेंशियल जो मामलात है अपने वो अगर बिल्कुल सही कर लेता है, अपने वेजेस को 200 मिलियन से कम कर लेता है, गावी को भी वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें गावी को रिलीज करना पड़ जाए और मेसी जो है ना वो 10 मिलियन पर ईयर के साथ भी जो है ना वो एग्री हो जाएंगे और बार्सिलोना उन्हें कहेगी कि आप जो भी सेल्स करवाएंगे टी शर्ट्स की और मतलब जितनी भी चीज़ों की आप सेल्स करवाएंगे तो उसका भी कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वो हम आपको दे देंगे। तो इस तरीके की कुछ बातें निकल के आ रही है कि मेसी को जो है ना वो इस तरीके से बार्सिलोना एक नया कॉन्ट्रैक्ट देगी। और अगर मैं अब अपना ओपिनियन दूँ ना यहाँ पे तो देखिए मेसी जब लेफ्ट कर रहे थे ना तो वो रो रहे थे, मतलब वो पीएसजी से सॉरी बार्सिलोना से वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो कुछ फाइनेंशियल मामलात कुछ ऐसे थे कि बार्सिलोना को रजिस्टर नहीं कर पाई जिसकी वजह से उनको बार्सिलोना को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वेजेस की एक लिमिट थी और मेसी को बार्सिलोना में ऐड करने के बाद वो लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो रही थी जो ला लीगा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से जबरदस्ती मेसी को बार्सिलोना को छोड़कर जाना पड़ा, इसी वजह से वो रो रहे थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कोई भी इंसान किसी भी चीज को छोड़ते वक्त रोता सिर्फ इसीलिए जब उसके दिल में ना उस जगह के लिए कोई जगह, यानी कि मेसी के दिल में बार्सिलोना के लिए कितनी जगह है ये हम सब जानते हैं। तो मेसी का भी कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है, जून के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आउट हो जाएगा, वो एक फ्री ट्रांसफर बन जाएंगे, यानी कि बार्सिलोना उन्हें फ्री में ला सकती है अगर सैलरी के टर्म्स के ऊपर मेसी एग्री कर जाते हैं। 10 मिलियन पर ईयर तक ही देगी बार्सा
अगर इसके ऊपर मेसी एग्री कर जाते हैं तो मेसी रिटर्न कर पाएंगे, लेकिन पीएसजी जो है वो बड़ा पैसा ऑफर करेगी, तो अगर मेसी ने पैसे को चुना तो ऑब्वियसली फिर वो स्टे करेंगे। इस हवाले से अगर और कोई अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेमार के बारे में। तो नेमार जो है ना भैया, वो ट्विच के ऊपर ना, अपने ट्विच के चैनल के ऊपर ऑनलाइन कैसीनो खेल रहे थे वो यहाँ पे, और नेमार ने ना यहाँ पे 9 लाख यूरो का लॉस किया। कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, उनकी सैलरी जो है ना वो 3.2 मिलियन है, 3.2 मिलियन यूरो पर मंथ की उनकी सैलरी है। तो 9 लाख यूरो उसमें से उन्होंने लॉस कर दिए, लेकिन उनका रिएक्शन जो था ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वो यहाँ पे रो रहे थे। जब पूरा स्टेडियम मेसी मेसी के नारे लगा रहा था रोनाल्डो के सामने, तो रोनाल्डो ने क्या रिएक्शन दिया वो जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख ले। और बाकी फुटबॉल फैन है तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ये चैनल है ही फुटबॉल फैंस के लिए, ताकि मैं आपको अपडेटेड रखता रहूँ पूरे फुटबॉल वर्ल्ड से।